नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, यानी कि पैर के तलवों में जलन। दोस्तों, एक ऐसी समस्या है जिससे समान जन काफी परेशान रहते हैं। आज इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि ये कोई बड़ी समस्या की वजह से है या ऐसे सामान्य कारणों से भी ये हो सकती है। दूसरे, किस तरह की होम्योपैथिक चिकित्सा हम लें जिससे कि हमें इस समस्या से आराम मिले, और चिकित्सा के साथ साथ हम लोग किस तरह का आहार लें और क्या घरेलू उपाय करें जिससे कि हम इस बर्निंग फुट सिंड्रोम से हमें आराम मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं बर्निंग फुट सिंड्रोम के बारे में, पैर में तलवों के जलन के बारे में। तो दोस्तों, पैर के तलवों की वजह से ही हम लोग अपने जीवन में चलते हैं। तो पैर में तलवों की जलन के पीछे जो कारण होता है, आज जब हम लोग पे चर्चा करेंगे, उससे पहले हमें कुछ चीजों को विशेष ध्यान रखना होगा। पैर में तलवों की जलन हमेशा किसी बड़ी बीमारी की वजह से हो ऐसा नहीं है। ये कैवा समान कारणों से भी होता है जिसके बारे में अभी तक साइंस को ठीक से पता नहीं। तो पहले हम लोग सामान्य कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उन डिजीज कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से पैर में जलन होता है। दोस्तों, पैर में जलन अगर हम देखें किस मौसम में ज्यादा होता है, मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, तो अनुभव से पाया गया है कि ये गर्मी के मौसम में ज्यादा होता है। किस उम्र के व्यक्तियों को ज्यादा होता है, तो जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनमें यह समस्या ज्यादा होती है। बढ़ती उम्र में यह बीमारी पैरों में जलन होने का जो कारण होता है, एक तो ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन उस तरह से नहीं होता जैसे कि युवा अवस्था में होता है, तो कैवा एक जगह ब्लड रुकने से लगता है। दूसरा, बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनकी वजह से भी होता है। और तीसरी जो वजह होती है जो उम्र के साथ होती है, वो हो जाती है कि कई दवाइयों की वजह से भी ये पैरों में जलन होती है। महिलाओं में ये जलन ज्यादा होती है, इसके पीछे कारण ये होता है कि उनके शरीर में पीरियड्स की वजह से जो हार्मोनल इश्यूज आते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी जलन हो जाती है। अब हम जानते हैं कि ये जलन कहां से कहां तक हो सकती है। जैसे नाम से ही पता है कि ये पैर के तलवों की जलन है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में ये घुटने तक ही भी ये जलन आ जाती है, और उसमें ऐसा फील होता है जैसे आग निकल रही है, इतनी बर्निंग होती है, इतनी उसमें जलन होती है। और कुछ लोगों को उसमें दर्द भी होता है, और कुछ केसेस में उसमें नमनेस या टिंगलिंग, झंझनाहट जैसी सेंसेशन भी मरीज को फील होता है। अब ये जाने कि ये जलन किन किन कॉमन कारणों से हो सकती है। तो कॉमन कारण क्या क्या है? काफी देर तक खड़े रहना, जो कि जैसा मैंने बोला, ब्लड सर्कुलेशन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो लोकलाइज पैर के तलवों में ब्लड लोकलाइज हो जाता है, कंजेशन वहां होने लगता है, जिसकी वजह से ये जलन शुरू हो सकती है। तो काफी देर तक खड़े होना, चोट लग जाना, पैर की नस खिंच जाना, ये कुछ ऐसे ही कॉमन कारण है। इसके अलावा पैर की जब हम लोग हाइजीन सही तरीके से मेंटेन रखते, पैर के तलवों को सही ढंग से हम धोते, सफाई नहीं रखते हैं, तो वहां पे एक तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम लोग एथलीट फूट कहते हैं। कई बार उसकी वजह से भी ये जलन हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि गर्मी के मौसम में जलन ज्यादा होती है। तो अब गर्मी के मौसम में जलन ज्यादा होने के पीछे क्या कारण होगा? गर्मी के मौसम में जलन ज्यादा होने के पीछे जो पहला कारण होता है डिहाइड्रेशन होना, कम पानी पीना, एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है इनडाइजेशन, खाने का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता, या एसिड ज्यादा बनने लगता है, पित्त ज्यादा बनने लगता है। जब पित्त ज्यादा बनने लगता है तब भी पैर के तलवों में जलन होती है। ये सामान्य से वो कारण है जो कि आम व्यक्ति को होते हैं, लेकिन जब हम कई बार सोशल मीडिया में जाते हैं, लोगों से हम लोग जब डिस्कशन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये बड़ी बड़ी बीमारियों के भी लक्षण हैं।
जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज में जब डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है तब ये जलन हो सकती है। इसके अलावा गनोरिया, सिफिलिस करके भी बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी पैर में जलन होती है। इसके अलावा सार्कोइडोसिस करके भी एक बीमारी है, वहां भी ब्लड का सर्कुलेशन रुक सा जाता है, कंजेशन होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से भी जलन होती है। दूसरी चीज होती है जो कि आम आदमी को पता होना चाहिए, ज्यादा नशा करने की वजह से, चाहे वो सिगरेट का हो, तंबाकू का हो या अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से भी ये पैर में तलवों की जलन हो जाती है। इसी तरह से विटामिन B12, विटामिन 6, इसकी जब बॉडी में डिफिशियंसी होने लगती है, ये जो खाने के जो पोषण की कमी जब होने लगती है तब भी ये समस्या हो जाती है। कई बार जब एनीमिया ज्यादा, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तब भी ये जलन होने लगती है। इसके अलावा हाइपोथायराइड बोल के जो एक बीमारी होती है, कई बार उसकी उस वजह से भी तलवों में काफी जलन होती है। और जब ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ हो तब भी पैर के तलवों में जलन होती है। इसके अलावा जब किडनी फेल्योर हो रहा होता है तब भी पैर के तलवों में जलन होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयों को ज्यादा खाने से, जैसे एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, उसकी वजह से भी पैर के तलवों में जलन होता है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हम लोगों ने दो कारण देखे, एक तरफ डिजीज कंडीशन देखी, एक तरफ सामान्य कारण देखे। चूंकि ये कॉमन समस्या है तो जनरली ये हमारे हैबिट्स की वजह से होती है, हमारे पोषण की वजह से होती है। तो हमें अपनी हैबिट को सही करना है, ना कि बड़ी बड़ी बीमारियों से डरना है। जैसे हमने जो बीमारियां बताएं, डायबिटीज, किडनी फेल्योर, हाइपोथायराइड, गनोरिया, सिफिलिस, ये सब बीमारी जब मरीज को होती है तो ये ऑटोमेटिकली पहले ही डॉक्टर के पास से डायग्नोज हो चुकी होती है, तो मरीज को उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और इन सब बीमारियों से होता क्या है, क्योंकि मैंने बोला कि ओल्ड एज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो नर्व डैमेज कई बार होने लगती है, जिसकी वजह, और ओल्ड एज में रीजनरेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए जलन होती है। लेकिन ये हो किसी भी उम्र के व्यक्ति को जाता है। अब हम लोग आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इन बातों को बहुत ध्यान से सुने दोस्तों। पैर में तलवे का जलन, जैसा आपने समझा, जो होता है उसका मूल कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब हो जाना। इसलिए पैर के तलवों में जब भी जलन हो तो हमें पैर में कड़वे तेल की या नारियल के तेल में हल्दी मिला के उसकी मालिश करनी चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन सही हो। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज तो करना ही है। रात में जब हम सोने जाते हैं तो कुछ देर, कम से कम 5 मिनट हमें इस तरह से सोना चाहिए कि हमारा पैर ऊपर हो, सर नीचे हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो। क्योंकि जलन की समस्या दिन में तो उतना परेशान नहीं करती, ये रात में ज्यादा परेशान करती है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आप फिटिंग का जूता नहीं पहनते या आपको मोजे से एलर्जी है तो भी ये समस्या हो सकती है। इसलिए जूता, चप्पल, मोजा, इसको भी पहनने में सावधानी रखें, इसमें को भी प्रॉपर आप चेक करते रहें। इसके अलावा होम्योपैथी जो चिकित्सा है उनकी दवाइयों को लेने से भी पैर के तलवों में जलन आदमी पूरी तरह से मुक्त हो सकता है, अगर वो होम्योपैथी चिकित्सा ले। लेकिन यहां पे होम्योपैथी चिकित्सा के साथ साथ आदमी को अपने आहार पे भी ध्यान देना होगा और कुछ घरेलू उपाय भी करने होंगे। दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा में पैर के तलवे की जलन को लेके बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ग्रेफाइटिस हुआ, सीपिया हुआ, मेरुराइनम हुआ, सिफिलिनम हुआ, ट्यूबरकुलिनम हुआ, आर्सेनिक हुआ, जलसीमियम हुआ, ब्राइनिया हुई, रस्ट्रक्स हुई, ये सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि पैर के तलवों में के जलन को कम करती है। एपिस्मेल हुआ, लेकिन इन दवाइयों के सिलेक्शन तो जब आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके शारीरिक और मानसिक लक्षणों के आधार पर आपको दवाई सेलेक्ट करके देगा। लेकिन
फर्स्ट एड में जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं या गांव में रहते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि होम्योपैथी में एक दवा है सल्फर, सल्फर 30 की 6-6 गोलियां सुबह, 6-6 गोली रात में सोते वक्त आप 15 दिन लें। इसके साथ साथ आप इन बातों को ध्यान से सुने, इस तरह का खान पान अपना करें जिससे कि आपको पूरी तरह से इस जलन में आराम हो, और डाइट के साथ साथ जो कुछ घरेलू उपाय हैं वो भी, उनको भी ध्यान से सुने। जैसे मैंने भी बताया आपको, एक्सरसाइज करने को, पैर को ऊंचा करने को, पैर में मालिश करने को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आप ध्यान से सुने, और निश्चित तौर पे तलवर में होने वाली जलन से बचने के लिए फाइबर से भरपूर फल और सब्जियों का उपयोग करें, जिसमें सेब, ब्रोकली, गाजर, पालक आदि आप शामिल कर सकते हैं। ओट्स भी फाइबर से भरपूर होता है, जिसे आहार में शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ दैनिक दिनचर्या में दही, नारियल पानी, खाने में हल्दी को भी शामिल किया जा सकता है। एलोवेरा पैरों की जलन में कारगर साबित हो सकता है, इसीलिए एलोवेरा जेल को पैरों में लगाया जा सकता है। गुनगुने पानी में नमक, एप्पल साइडर विनेगर डालकर पैरों को डुबोकर बैठने से जलन में राहत मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर इनबॉक्स में पूछें।